सो गई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही हुआ कि अब के टाइम में भाई बहुत सारे लोगों को यार गेम खेलते हुए एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि हम लोग जब यार अपने फोन में गेम खेल रहे हैं तो उनका गेम का जो भी पिन है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, या पिन हाई नहीं हो रहा होगा, पिन ऐसे नॉर्मली चल रहा है, लेकिन तो भी यार हम लोग जब भी ग्लू वॉल लगाते हैं तो यार ग्लू वॉल लगाते तो किसी और टाइम पर है, लेकिन यार लगता किसी और टाइम पर है। जब यार हम लोग किसी बंदे को मारते हैं तो यार मारते तो किसी और टाइम पर है, लेकिन यार मरता किसी और टाइम पर है। और इतना ही नहीं भाई, बहुत बार तो यार आप लोग सामने वाले बंदे को 10 बार हेड मार चुके होते हो, लेकिन यार बाद में पता चलता है कि आप लोग खुद ही मर गए। तरी तरीके से बहुत बार फेक डैमेज वगैरह भी आता है, और साथ ही साथ यार लूट वगैरह करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई भी सामान उठता नहीं है या उठता है तो बहुत ज़्यादा लेट में, तरी तरीके से सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट लेट होता है, जिसके वजह से भाई आप लोग यार अच्छी तरह से गेम नहीं खेल पाते, आपको यार गेम प्ले करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से यार गेम खेलने को भी मन नहीं करता। ऐसे में आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि यार इसी को देखते हुए मैं आज आप सभी लोग के लिए बना रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोग यार ये सब प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके सबसे पहले तो भाई आप लोग अपने फोन के सेटिंग के अंदर चली आना, जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का सेटिंग देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको क्लिक करना, और इसके बाद भाई यहाँ पर आप सभी को सामने 2 सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जिस भी सिम से गेम खेलते हो उसके अंदर आप लोग चले जाना। जाने के बाद भाई यहाँ पर आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको क्लिक करना, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक न्यू APN क्रिएट कर लेना। तो न्यू APN क्रिएट करने के लिए आप लोग करना क्या, नीचे में आप लोगों को जो भी प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा उसको आप लोग क्लिक करना, और इसके बाद आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यार जो भी सबसे फर्स्ट हमें नेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसमें आप लोग जिस भी कंपनी का सिम यूज कर रहे होंगे, जैसे कि अगर आप लोग जियो का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग जियो 4G डाल देना, अगर आप लोग यार एयरटेल का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग एयरटेल 4G लिख लेना, या अगर आप लोग यार आईडिया का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग आईडिया 4G भी डाल सकते हो। तो मैं तो जियो का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जियो 4G डाल देता हूँ, और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा APN का। तो आप लोग भाई APN में भी आप लोग जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हो, जैसे कि अगर आप लोग जियो का यूज कर रहे होंगे तो भाई यहाँ पर आप लोग स्मॉल लेटर में जियो नेट डाल देना, अगर आप लोग यार जियो का सिम यूज नहीं करते उसके जगह आप लोग एयरटेल का सिम यूज कर रहे होंगे तो भाई यहाँ पर आप लोग यार जियो नेट की जगह आप लोग एयरटेल नेट भी डाल सकते हो, या अगर आप लोग यार जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हो उसका नेम डालने के बाद आप लोग लास्ट में नेट लगा देना, और आपको बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ना है, और याद रखना आपको सभी के सभी को स्मॉल लेटर में ही लिखना है, बस आप लोग यार इतना कुछ चेंजेस कर लेते हो। और इसके बाद आप लोग को लास्ट में जो भी 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा उसको क्लिक करके भाई आप लोग जितना भी चेंजेस किए होंगे उसको आप लोग अपने फोन में सेव कर लेना, और इसके बाद यार यहाँ पर आप सभी लोग के सामने 2 APN देखने को मिल जाएगा, पहला तो पुराना वाला और सेकंड अभी आप लोग जो भी न्यू क्रिएट किए होंगे जियो 4G या और आप लोग जो भी नेम का उसको यार आप लोग सिलेक्ट कर लेना, सेकंड वाला जो भी अभी आप लोग न्यू क्रिएट किए होंगे उसको, और इसके बाद आप लोग अपने फोन को एक बार जाकर स्टार्ट रिबूट कर लेना, बस आप लोग यार इतना कुछ करोगे और इसके बाद आप लोग जाकर गेम खेलोगे तो भाई आपके फोन में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा वो यार काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। एंड इसी ट्रिक की मदद से भाई ऑलमोस्ट अभी के टाइम में 50-60% लोगों का जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। तो यार अगर आपका भी यार ये ट्रिक की मदद से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो यार इसी बात पर प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा, और अगर आपका यार ये ट्रिक की मदद से जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप लोग मेरे को ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक और वीडियो बनाकर ये प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन के बारे में बता दूंगा। तो यार इसके लिए अगर आप लोग चैनल में नहीं होंगे तो भाई आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बेल आइकन है उसको भी आप लोग और पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं इस तरह और जब भी हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, हमको स्ट्रीम में मिलेंगे, ओके बाय।